अ यूनिफॉर्म सॉलिड कोन सेम डेंसिटी द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंपोजिट सॉलिड लाइज एट सेंटर ऑफ बेस ऑफ द, अच्छा यहीं पे बोला गया, यहीं पे आ रहा है। तो आप यहां पे देखो ऊपर वाले का मास m1 ले लेते हैं, वो कितना हो जाएगा रो इंटू में 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब r कैपिटल का r स्क्वायर इंटू में h, ये इसका मास हो गया। नीचे वाले का मास कितना हो जाएगा, नीचे वाले का m2 मास वो आ जाएगा रो इंटू में 2/3 पाई आर क्यूब, ये तुम्हारे मासेस आ गए आराम से। अब यहां पे क्या कर देंगे, इसका जो सेंटर मास आता है वो 3r/8 होता है बेस से, इसका सेंटर मास कितना होता है, इसका सेंटर मास यहां से h/3 होता है। तो अब इजीली इसे सॉल्व कर दीजिए, हमसे पूछा गया हाइट ऑफ, ये पूछ रहा है यहीं पे आ रहा है, मतलब YCM कितना आ रहा है, YCM 0 आ रहा है, वो कितना जाएगा m1 इंटू में h/3 माइनस, अच्छा m2 माइनस में मत लिखिएगा, m2 तो प्लस में है, उसका जो डेप्थ है वो -3r/8 है, अपॉन में कितना m1 प्लस m2 कर दो आप, वो इक्वल टू 0 है, तो सीधे इसे इक्वेट कर देते हैं। तो m1 कितना है हमारा रो इंटू में 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में h/3 इज इक्वल टू कितना, m2 हमारा रो इंटू में 2/3 पाई आर क्यूब इंटू में 3r/8, बस h की वैल्यू पूछी गई है। तो यहां से हम चीजों को एलिमिनेट करना शुरू करते हैं, 3 कट गया, और यहां पे अगर हम देखें पाई पाई उड़ा दीजिए, और क्या कट रहा है, ये 4 कट गया इस तरीके से, तो यहां पे जा रहा है एच स्क्वायर, आर स्क्वायर एक तो उड़ा सकते हैं, तो वहां पे आर स्क्वायर एक बचा, रो रो तोड़ी जाएगा, तो ये जा रहा है 9/4 आर स्क्वायर, तो इसका हम रूट लेके ये हमारा 3r/2 जाना चाहिए, 3r/2 1.5, 21 का 1 बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। यहां पे थोड़ा सही कर लीजिएगा, मैंने h/3 लिख दिया है, कोन है ये, कोन का जो सॉलिड कोन होता है उसका h/4 होता है, तो यहां पे सही कर लीजिए, इसे h/4 कर दीजिए, उसको ट्रायंगल गलती से ले लिया है, ये कोन में आएगा, तो इसे दोबारा से बस यहीं से ये स्टेप से सही कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यहां से कितना कट गया, यहां से 2 और ये 4 यहां से कट गया, तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 और यहां पे 4 तो कट ही चुका है, बस इतना ही आ रहा है, इतना तो एच आ रहा है √3r, ठीक है। थोड़ी सी सिली मिस्टेक यही है कि हमने ध्यान नहीं दिया कि हम इसको ट्राइंगल ले रहे हैं, वो सॉलिड कोन है, सॉलिड कोन का h/4 पे आएगा और जो हॉलो कोन होगा उसका h/3 पे आ जाता है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है हमें।